शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इमामवाड़ा पुलिस थाना हद में आने वाले बैद्यनाथ चौक में एक्सिस बैंक का एटीएम है, जिसे 25 जुलाई को अज्ञात आरोपियों द्वारा फोड़ा गया था। इसमें लिप्त 3 आरोपियों को इमामवाड़ा पुलिस ने पकड़ लिया है। प्रथमेश इलेक्ट्रिक सर्विस कंपनी, जो कि एक्सिस बैंक के एटीएम की देखभाल करती है, इसके चैनल मैनेजर बैद्यनाथ चौक स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम की देखभाल करने गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एटीएम का डायलर लॉक टूटा हुआ है। उन्होंने अपने सीनियर मैनेजर को इसकी जानकारी दी। सीनियर मैनेजर इन्होंने घटनास्थल पर आकर देखा तो एटीएम मशीन का डायलर लॉक टूटा था, साथ ही 1 लाख रुपयों का मशीन का नुकसान हुआ था। जिसके बाद प्रथमेश इलेक्ट्रिक सर्विस के सीनियर मैनेजर इन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज की। इमामवाड़ा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी रोहित खोबरागड़े को एक्टिवा गाड़ी क्रमांक MH40Z5079 के साथ धर दबोचा। आरोपी से कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी ने गुनाह में लिप्त और 2 आरोपियों के नाम बताए। आरोपियों में विशाल कुमरे व राजेंद्र चुटे, इनकी भी खोज की गई, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा 3 आरोपियों पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है। घटना अशी होती, 25 तारखेला रात्री आपल्या वैद्यनाथ चौकात एक्सिस बँकचे एटीएम आहे, तर ते रात्री 2:22 फोडून ते लुटण्याचा प्रयत्न झाला होता। ते दुर्दैवाने ते फुटलं नाही, म्हणजे पूर्ण यशस्वी झाले नाही, पण प्रयत्न झाला होता। त्यावरून आपण इमामवाडा पोलीस स्टेशनला एक्सिस बँकेचे मॅनेजर यांनी फिर्याद दिल्यावरून 293/2020 380/511/427 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला। तर गुन्ह्याच्या तपासात आपल्याला CCTV फुटेज प्राप्त केले। त्या CCTV मध्ये आपल्याला 3 समजले, त्यांच्या एकंदरीत वर्णनावरून आपल्या DB टीमने थोडी पाडत ठेवली आणि मग एक मोटरसायकल स्वार दिसले, तर त्यांना पीछा करून पकडलं। तर ती मोटरसायकल सुद्धा चोरीची निघाली। त्याच्यात मेन आरोपी आहे रोहित काल्या उर्फ विकी खोबरागडे, याच्यावर अगोदर पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल आहेत। आणि जी मोटरसायकल मिळाली ती कपिल नगर इथून चोरल्याचे त्यांनी सांगितले, तिथं कपिल नगरलाही गुन्हा दाखल आहे। 328/20/379 प्रमाणे कपिल नगरला गुन्हा दाखल आहे, टोकनवरती झालेला आहे। त्यानंतर इमामवाडा पोलीस स्टेशनला एक घरफोडीचा गुन्हा दाखल होता, 249/20, तर त्यामध्ये एक रोकडा पैसे गेलेले होते चोरीला, त्यांना विश्वासात गुन्हे विचारपूस केली तर तो गुन्हाही केल्याचे त्यांनी कबूल केलेला आहे। आणि त्या गुन्ह्यातले जे रोकड रक्कम लांबवली होती या लॉकडाऊनच्या काळात त्यांनी ती उडवलेली आहे। दुसरा आणि तिसरा आरोपी यांना घेऊन हा चोऱ्या करतो, याच्या अगोदरही आपण त्याला 392 पकडलेलं होतं रोहित विकी खोबरागडेला, आणि तो जेलमध्ये होता। जेलमधून आल्यानंतर त्याने एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न केला, वर्णनावरून आपल्याला DB पथकाने चांगली कामगिरी करून त्यांना पकडलेलं आहे। अजून 2 आरोपीचे नाम का? दुसऱ्याचा विशाल उर्फ जट्ट्या अशोक कुमरे आणि तिसरा आहे महेश राजेंद्र चुटे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपूर।